दर्शक वृंद, आप देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। आज गेंद्रापाड़ा चाय बागान में बोनस को लेकर श्रमिकों में काफ़ी रोष है और इस बोनस को लेकर यहां पर देख रहे हैं कि श्रमिक लोगों में कितना रोष है। मालिक पक्ष का जो बैठक हुआ था वह विफल हो गया, 15% तक मालिक पक्ष पहुंचा, लेकिन श्रमिकों का मांग है कि 20% से कम बोनस नहीं लेंगे। तो इसे लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन, गेट मीटिंग के बाद में आज काम नहीं जाने का फैसला यहाँ के श्रमिकों ने लिया है। क्या नाम है आपका थोड़ा आगे? क्या नाम है? रुक्मिन मानली। तो क्या आप लोगों का क्या डिमांड है? हमारा डिमांड है हमने के 20% बोनस लगे। तो ये मालिक पक्ष कितना देवे कर कहा था? मालिक पक्ष कहा था 15% देबो। 15% में तो नहीं माना? नहीं, हमने कभी भी नहीं माना। तो देखिए, यहाँ पर 15% के बोनस में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है और श्रमिकों में काफी रोष देखा जा रहा है। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी माली है। तो आप लोगों का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है, हम लोग का 20% चाहिए। हम लोग को यहाँ पे 8% दे रहा है, फिर भी हम लोग को 20% चाहिए। हम लोग 20% में चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 8% देने का बात हो रहा है गेंद्रापाड़ा चाय बागान? जी सर। तो देखिए, श्रमिकों का आरोप है कि यहाँ चाय बागान मालिक और मैनेजमेंट मिलकर सिर्फ 8% बोनस देने की बात कर रहे हैं। पूजा है, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, काली पूजा है, और इतने 8% बोनस में श्रमिकों का क्या है? कपड़ा खरीदेंगे बच्चों का कि अपना? मतलब किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर 20% बोनस लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी रोष है यहाँ लोगों में। तो यहाँ पर जब तक फैसला नहीं होगा 20% बोनस का, तब तक ये लोग स्ट्राइक करने का यहाँ पर मन बना लिया है। देखिए, यहाँ पर धूप में, कड़ी चिलचिलाती धूप में सभी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं। तो आप लोगों को ये जो है, कब तक इस तरह से आप लोग यहाँ पर धरना देते रहेंगे? हमने 10 तारीख का टाइम दे है, 10 तारीख तक हमने का रिडिमाइन है, और रिडिमाइन तो 10 तारीख तो दे है, लेकिन जब तक हमने का 20% के उठो हुमानी नी गथी, तब तक हमने नी मानब। तो मतलब जब तक 20% बोनस कर फैसला नहीं होगी, तब तक डूरे मन नहीं मानब? नहीं, काले एखन काल परसों पूजा पहुँच जा है, इतना बड़का दुर्गा पूजा आवत है, इतना बड़का काली पूजा आवत है, हमने 8% 15% बोनस के लेके हमने का करब? हमने का परिवार भी तो आए, हमने दुई जन तो नखी, हमने का परिवार ले भी तो लागी। हमने तो फिर अब टाइम 10 तारीख के फैसला कर टाइम देवल जा है, तो कल तो फैसला नहीं होलक, तो 10 तारीख तक रउरे मन की काम के काज करके रही धरना प्रदर्शन कर, हम काम नहीं जाए? नहीं, हमने जब तक हमारा फैसला नहीं सुने तब तक हमने काम में नहीं जाए। तो देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ साफ कहना है श्रमिकों का कि जब तक 20% बोनस का फैसला नहीं होगा, निर्णय नहीं दिया जाता है, तब तक ये कोई भी श्रमिक काम पर नहीं जाएंगे, और दिन भर यहाँ पर हर रोज 10 तारीख तक ये स्ट्राइक यहाँ पर करेंगे, और 10 तारीख तक का फैसला जब तक नहीं आता है, तब तक आप देख रहे हैं यहाँ भारी संख्या में गेंद्रापाड़ा चाय बागान का ये फैक्ट्री गेट है, और ये फैक्ट्री गेट देख रहे हैं, सब फैक्ट्री गेट में सभी पार्टी का यहाँ झंडा लगा हुआ है। यहाँ पर जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, सब ट्रेड यूनियन के नेता लोग भी इन लोगों के साथ है। श्रमिकों का कहना है कि आपका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इतने के है चाहूँ कि मतलब हमें 8.5% बोनस नहीं लो, 15% फसला हो, नहीं 15% भी हमें नहीं लो, हमें 20% ही लो। का नाम है? 15% में का करब? मोर नाम हेमंती महली है, के मैं 15% बोनस नहीं लेबू, मैं 20% ही लेबू बोनस। तो जब तक ये फैसला नहीं होगी, तब तक रउरे मन इसने यहाँ पर धरना प्रदर्शन? हाँ, हमें इसने रहा, हम इनके रोड जाम करे पड़ी, रास्ता जाम करे पड़ी, सब कुछ करब। हम कहाँ का रोड जाम करब? 20% बोनस नहीं लो, बानर हट कर करब, रोड जाम बानर हट कर, हम रोड जाम करब, हाई रोड, हाई रोड। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लोग अभी श्रमिकों का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। श्रमिकों का कहना है कि अगर 20% का बोनस तय नहीं हुआ, तो गेट मीटिंग के अलावा ये लोग 10 तारीख के बाद में आप लोग रोड स्ट्राइक करेंगे। तो नेशनल हाईवे रोड बानरहाट में ये लोग जाकर नेशनल हाईवे को जाम करने की भी बात कह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला होता है। यहाँ पर काफ़ी लोग, कुछ और लोग बात करना चाहेंगे, आइए। तो यहाँ पर अभी 15% बोनस में ट्रेड यूनियन लोग नहीं माना,
20% पर अड़े हुए हैं। तो आप लोग आज जो यहाँ पर स्ट्राइक किए हुए हैं, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम चंद्रबाग है और हम सब तो लेबर हैं सर। हाँ, तो हम लोग को तो ये मैंने धूप बरसात ये सभी में हम लोग को कार्य करना पड़ता है, उसके लिए तो हम लोग को तो 20% बोनस ही चाहिए। 20% बोनस आप लोगों को अगर नहीं मिलता है, 15% पर फैसला होता है, तो आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे 10 तारीख तक यहाँ पर ऐसे ही धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ करेंगे, रोड जाम भी करेंगे। रोड जाम कहाँ का करेंगे? बानाट पे जाके, नेशनल हाईवे जी। तो देखिए यहाँ पर श्रमिकों का साफ कहना है कि जब तक हम लोगों का बोनस 20% नहीं दिया जाता है तो मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूजा के समय में अभी पूजा का मार्केटिंग करने के लिए भी एक ही रविवार, मेरे ख्याल से एक या दो रविवार पड़ेगा, तो लोगों को पूजा करने मार्केटिंग करने का भी समय नहीं है। जल्द से जल्द बोनस होने से श्रमिकों में एक बाजार करने का समय भी मिलता तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखा जा रहा है यहाँ चाय श्रमिकों के में, पूरे द्वार भर में, खासकर गेंद्रापड़ा के चाय श्रमिकों ने यह फैसला किया है कि जब तक 20% का बोनस उन्हें नहीं दिया जाता तब तक ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन रोज सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक आप लोग करेंगे। तो शाम को 4 बजे तक रोज यहाँ स्ट्राइक करेंगे और 10 तारीख तक अगर 20% बोनस गेंद्रापड़ा के श्रमिकों को अगर नहीं मिला तो ये लोग बानरहाट नेशनल हाईवे के ट्रैफिक को जाम करेंगे, ऐसा कहना है। तो आप लोग नेशनल हाईवे के ट्रैफिक को जाम करेंगे? जी जाम करेंगे। हम लोग नेशनल हाईवे बानरहाट का जाम करेंगे जब तक हम लोग का 20% फैसला नहीं होता है। अच्छा, जाम ये 10 तारीख के बाद में रोड स्ट्राइक करेंगे आप लोग? ना हम लोग रेगुलर करेंगे, 10 तारीख तक हम लोग का ये गेट मीटिंग करेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो बानरहाट। अच्छा, 10 तारीख तक यहाँ गेट मीटिंग करेंगे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और काम पे नहीं जाएंगे? जी, स्ट्राइक करके रखेंगे। तो ये स्ट्राइक करके काम को बंद करके ये लोग यहाँ पर 20% बोनस के लिए यहाँ पर सभी जमे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर महिलाएं हैं काफ़ी संख्या में, चाय बागान के पत्ती तोड़ने में महिलाओं का अहम भूमिका रहता है। आपका क्या नाम है? शीला माले। तो आप शीला जी क्या कहना चाहते हैं आप लोग स्ट्राइक को लेकर? हम लोग ना सर, ये कोई नया बात नहीं है, ये हर साल का यही नियम है कि हर साल हम लोग बागान में काम करने वाला जितना महिला सब है, हम लोग का 1-2 पाँव नहीं पुगने से हम लोग का ना वेतन भी काटा जाता है। 3.5 रुपये 1 किलो में हम लोग का 3.5 रुपये कर काटा जाता है। ये 1 किलो में 3.5 रुपये क्या चीज़ का काटा जाता है? जो हम लोग का जैसे कि 21 किलो ठीका है। हाँ। तो अगर 20 किलो पहुँचने से 21 किलो ठीका है टाच, अगर 20 किलो पहुँचने से हम लोग 1 किलो को काटता है पैसा। 2 किलो नहीं पुगने से 2 किलो काटेगा, 3 के नहीं पुगले 3 किलो काटेगा, ऐसा काट के हम लोग का देता है हम लोग का हाजिरी। अच्छा, आप लोगों का जो हाजिरी है वो ठीका 21 केजी पत्ती तोड़ने का है और उससे कम होने पर पैसा काटा जाता है? तो यहाँ और सेक्टर में देखा जाता है 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद में पूरा तनख्वाह मिलता है, इस तरह से आप लोग? इस तरह का नहीं है, हम लोग का जो ठीका टाच नहीं पहुँचने से हम लोग उसमें पैसा काटा जाता है, लेकिन हम लोग का कंपनी तो। अच्छा, पत्ती सीजन रहता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा भी तोड़ते हैं? अभी कहाँ सीजन है, सीजन रहते हो भी हम लोग बागान में खास करके पत्ती नहीं है, पता नहीं क्या दवाई लगाता है नहीं लगाता वो तो मालूम नहीं है। पहले जैसा हम लोग कभी पत्ती नहीं होता है, हम लोग का ठीका पुगाने के लिए भी अभी बहुत असुविधा होता है। हम लोग का हर महीना औरत लोग जितना भी यहाँ महिला बैठा है ना, ये लोग का सबका पैसा कटता है, लेकिन हम लोग का साहब नहीं बोलता कि ठीका नहीं पहुँचा है तो पूरा हाजिरी देगा, वो नहीं देता है, पैसा काट के देता है, पर भी कम बोलता है कि हम लोग का बोनस के लिए बोलता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि पूरा हाजिरी मिले? पूरा हाजिरी तो हम लोग को नहीं मिल, कभी भी हम लोग हाजिरी के लिए नहीं आया सर, लेकिन हम लोग जब हाजिरी काटता है वो तो बोलता है अभी बोनस सीजन आ गया, तो बोलता है कि नहीं अभी हम लोग कंपनी में लॉस है इसलिए हम लोग बोनस 20% देने नहीं सकेगा। तो कंपनी में कैसे लॉस है, हम लोग को तो कम रेट में तो हम लोग को तो पूरा हाजिरी तो दिया नहीं है, वो तो काट के देता है ना सर। तो हम लोग, आप लोग पूरी तरह से मेहनत करते हैं, कंपनी में चाय उत्पादन हो रहा है, फिर भी कंपनी ये बहाना बना रही है कि लॉस हो रहा है और आप लोगों का बोनस काटने के चक्कर में? हाँ, तो हम लोग का ठीका नहीं पुने से हम लोग तलब तो काट देता है। हाँ, तो आप लोग क्या करेंगे अभी यहाँ पर पूरा स्ट्राइक करेंगे 10 तारीख तक? जब तक हम लोग का अभी बोनस का फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक करके बैठे, डेली आएगा यहाँ पर गेट पर। अब 10 तारीख बाद अगर वहाँ पर भी नहीं होगा तो हम लोग बानरहाट रोड जाम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहना है महिला श्रमिकों का कि यहाँ जब तक गेट मीटिंग
का जो बात था ये गेट मीटिंग के अलावा आज यहाँ पर काम को इन्होंने पूरी तरह से ठप कर दिया है, काम में नहीं जाने का फैसला लिया है। गेंद्रापाड़ा चाय बागान के सभी महिला श्रमिक, पुरुष श्रमिक और सभी ट्रेड यूनियन श्रमिकों के साथ है। 20% बोनस देने का इनका मांग है। अगर ये मांग 10 तारीख तक पूरा नहीं होता है तो 11 तारीख से बानरहाट नेशनल हाईवे LRP मोड़ में ये लोग स्ट्राइक करेंगे, रोड को चक्का को जाम करेंगे। तो अब देखना होगा कि प्रशासन और बागान मैनेजमेंट इन चाय श्रमिकों के दर्द को कैसे समझते हैं और इनके समस्या का समाधान किस प्रकार से होता है। और 20% बोनस मुझे लगता है कि जब तक इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज, YouTube, Facebook पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के खबरों से जुड़े रहे। मैं रमन कुमार झा, NEI द्वास न्यूज के लिए, गेंद्रापाड़ा चाय बागान फैक्ट्री गेट से।